इस अध्यक्ष खाली को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी हंगामा मचा हुआ है। इस अध्यक्ष खाली नहीं जा सकी बीजेपी की जांच करने वाली टीम, कांग्रेस टीम को भी इस अध्यक्ष खाली जाने की इजाजत नहीं मिली। जेपी नड्डा द्वारा भेजा गया सेंट्रल टीम हमारे साथ है, धरने में बैठ चुके हैं वो लोग। देखिए, हम बड़ी शांति के साथ पीड़िता से मिलने जा रहे थे, लेकिन हमको मिलने जाने नहीं दिया। ये तो अन्याय है। यहाँ की मुख्यमंत्री स्वयं एक बहन है, और यहाँ पर एक बहन के साथ कितना, एक बहन ही न जाने कितनी बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है। एक तो वो खुद कार्रवाई नहीं कर रही है, और अगर हम पीड़िता से मिलने जा रहे हैं तो उसको भी रोका जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस कह रहा है हम उनको सजा के अंदर लेके गए थे और बाइट करवाए, इंटरव्यू नहीं। उन बहनों ने बिल्कुल बोला है, मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं, उन्होंने बोला है कि हमें कुछ बैठक के बहाने से बुलाया जाता है, और उसके बाद उनको चार चार पाँच पाँच छः छः दिन तक घर आने नहीं दिया जाता। उनके पति की जान की उनको धमकी दी जाती है, और उनके साथ अत्याचार और गलत व्यवहार किया जा रहा है। इतना बड़ा अत्याचार इन बहनों पे हो रहा है, उसके बावजूद यहाँ की मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रही है, तो शर्मनाक बात है। मुझे लगता है कि अगर सच्चाई है तो हम सबको वहाँ पर जाकर देखना चाहिए, वो महिलाओं के साथ अन्याय ना हो, उनके साथ अत्याचार ना हो। तो संदेश खाली की घटना को लेकर ममता सरकार पर संकट के बादल गहराने लगे हैं। एक ओर जहां अनुसूचित जाति आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए भी एक जनहित याचिका दायर की गई। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संदेश खाली की घटना पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। साथ ही आयोग ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। आयोग के अध्यक्ष अरुण हल्दर ने कहा कि संदेश खाली में हमने जो माहौल देखा उसकी रिपोर्ट दी है और उचित कार्रवाई करने की मांग की है। और स्पॉट में अभी जो पुलिस मौजूद है वो टीएमसी दल का लीडर लोगों को सेव करने के लिए, उनको सेव करने के लिए बैठा है। कोई जनरस उनके ऊपर तो आ नहीं जाएगा, कोई तो उनका पोल्ट्री फार्म में आग नहीं लगा जाएगा। जो लोग क्रिमिनल है उनको सेव करने बैठा है, गरीब लोगों को बात सुनने का कोई लोग नहीं है। एक नंबर रिपोर्ट में यही हम लोग पेश किया है। इधर संदेश खाली मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर एसआईटी या सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की भी अपील की गई है। संदेश खाली का सच क्या है? टीवी 9 संवाददाता रवि दत्ता संदेश खाली पहुंचे और लोगों से बात की। वहीं कोलकाता रवाना होने से पहले बीजेपी की केंद्रीय टीम ने भी पीड़िता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत की। अंदर अत्याचारी को तो जमी जागा एखाने अत्याचारी तो होता दिन रात, दिनेर पर दिन, रात तेरे पर रात। तेर पार्टी ऑफिसे मीटिंग नाम करे एने बसे रखतो, पार्टी मीटिंग 12টার সময়। আমরা কাজ করেছি, আমাদের 100 দিনের টাকা পাইনি, তারপরে আমরা অনেক অভিযোগও জানিয়েছি, অভিযোগ জানাতে গেলে আমাদের মারে ধরে। এখানে আমাদের জোর করে জমি জায়গা কেড়ে নিয়ে আমাদের চাষবাস করতে দিচ্ছে না, জল কর করছে। দেখেছেন কেন? देखिए, हम फिजिकली वापस जा रहे, मेंटली हम यहाँ से वापस नहीं जा रहे। यहाँ पे हमारी राष्ट्रीय सभापति जी जो दायित्व हम लोगों को दिया है, और जो पीड़िता है आपके सामने वीडियो कॉलिंग से उन लोगों से बात की है, उन लोगों ने रो रो के नए के गुहार लगा रहे और वहाँ पे मारपीट कर रहे हैं। क्यों उन लोगों ने हम लोगों को साथ बात किए है उसको मार रहे है, लाइव आप लोगों ने देखा है। इसी से पता चलता है क्यों हम लोगों को अंदर घुसने नहीं दिया। इधर संदेश खाली को लेकर जमकर हंगामा मचा हुआ है। पुलिस ने बीजेपी डेलीगेशन और कांग्रेस के नेताओं को संदेश खाली जाने से रोक दिया। इसके बाद पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली मामले को लेकर सियासी बवाल जारी है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने संदेश खाली जा रहे बीजेपी के 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को रामपुर में रोक दिया। इसके बाद बीजेपी की टीम वापस कोलकाता लौट गई। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल सदस्यों ने मामले को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा। टीएमसी का डेलीगेशन जाएगा लेकिन केंद्रीय मंत्री का डेलीगेशन नहीं जाएगा। आपके अत्याचार को देख रही है, आपके नाइंसाफी को देख रही है। बीजेपी की केंद्रीय टीम कोलकाता वापस लौटकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस से मिलने के लिए राजभवन पहुंची। इस बीच पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी संदेश खाली के लिए रवाना हुए, जिन्हें रोक लिया गया। अधीर ने भी सरकार के रवैये पर सवाल उठाया। बांग्लार मानुष हिसाब से, बांग्लार जनप्रतिनिधि हिसाब से, कौतूहल जिज्ञासा
কি হয়েছে সন্দেশখালীর মানুষের কাছে জানবার চেষ্টা করব। এটার মধ্যে কোনো অন্যায় আছে? এটার মধ্যে কোনো অপরাধ আছে? এখানকার পুলিশ বাহিনী সরকার ড্রোন উড়িয়ে সব দেখছেন, এখানে কোনো বোমাবাজি করতে আসেনি আমরা। मोदी ने आज हरियाणा के रेवाड़ी में अलग अलग योजनाओं की सौगात दी और कहा कि मोदी की गारंटी उनके लिए है जिनके पास कुछ नहीं है। हरियाणा के रेवाड़ी में पीएम मोदी ने शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन के विकास के लिए 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और रेलवे से जुड़ी परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इस मौके पर पीएम ने कहा कि मोदी सरकार ने जब जब गारंटी का वादा किया उसे पूरा किया। भाई और बहनों, मोदी की गारंटी उसके साथ है जिसके पास गारंटी देने के लिए कुछ भी नहीं है। देश के छोटे किसान के पास बैंकों को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। मोदी ने उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि की गारंटी दी। रेवाड़ी की सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 सीटें दिलाने का आह्वान किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है और उनके अपने ही पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। एक परिवार के मोह में फंसी कांग्रेस, हरियाणा भी वही हाल है, आज अपने इतिहास के सबसे दयनीय दौर से गुजर रही है। आज कांग्रेस की हालत देखिए, कांग्रेस के पुराने नेता एक एक करके इनको छोड़कर जा रहे हैं। रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं, तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। खबरों में रुख अब राजस्थान का। विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज सूबे को बड़ी सौगात दी है। देखिए इसी पर ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान को 17,000 करोड़ रुपए की सौगात दी, जिसमें सड़क, रेलवे और सौर ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाएं शामिल है। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। भारत अपनी बिजली व्यवस्था को लेकर बदनाम रहता था। कांग्रेस के दौर में बिजली की कमी के कारण पूरे देश में कई कई घंटों तक अंधेरा हो जाता था। जब बिजली आती भी थी तो बहुत कम समय के लिए आती थी। करोड़ों गरीब परिवारों के घर में तो बिजली कनेक्शन ही नहीं था। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम राजस्थान के सभी जिलों में करीब 200 स्थानों पर आयोजित किया गया।